जा रहे हैं ओरियो के दो चीजें, पहली ओरियो लावा केक और दूसरा ओरियो आइसक्रीम। तो देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स, दूध और कोई भी चॉकलेट के पीसेस। तो अभी हम इन ओरियो बिस्किट्स को पैकेट के अंदर रखे ही इस बेलन से ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रश कर देंगे। अभी देखिए हमारे ओरियो बिस्किट्स इस तरह से क्रश हो गए हैं। तो अब हम इसे हमारे कप में डालेंगे। तो अभी हमने इस कप में आधा पैकेट ओरियो बिस्किट डाल दिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो अभी हमने इसमें दूध भर दिया है। जहां तक हमने ओरियो बिस्किट्स भरे थे वहीं तक हमने दूध भी भरा है। अब हम इसे एक बार स्पून से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हमारे चॉकलेट के पीसेस है वो रखेंगे। हम इन्हें थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये जो अपना मिक्सचर है वो इसे कवर कर ले। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। तो 2 मिनट पूरे हो गए हैं। ओह माय गॉड, देखिए ये हमारा केक कितना फ्लफी और टेस्टी बना है। देखिए वो। तो अभी इसे कट करके देखते हैं। और ये देखिए कितनी मस्त इसके अंदर चॉकलेट है, कितना टेस्टी दिख रहा है। ये आप बच्चों के लिए बनाएंगे ना तो बच्चे खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये जो बाकी के बचे हुए ओरियोज है उसे हम इस पैकेट में ही रहने देंगे। और हमने इस पैकेट को आधा काट लिया है। अब हम हमारे पैकेट को एक कप के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम इस तरह से एक आइसक्रीम स्टिक, मेरे पास तो है नहीं तो मैंने यहाँ एक वुडन स्टिक ली है, और हम इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। अगर आपके पास वुडन स्टिक या फिर आइसक्रीम स्टिक ना हो तो आप स्टील की स्पून भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। और दूध डालने के बाद हम इसे ओवरनाइट यानी कि एक रात के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि ये जो हम दूध डालेंगे ना वो हम उतना ही डालेंगे जितनी ओरियो बिस्किट की लेयर है। अभी देखिए ओवरनाइट हो चुकी है और ये पूरी फ्रीज हो गई है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए अभी हमारी बाहर निकल चुकी है। इसे और टेस्टी बनाने के लिए आप इसे मेल्ट की हुई चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। तो अब हम इसे इस चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे। और वाओ ये कितना चॉकलेटी हो गया। चलो इसे प्लेट पे रख लेते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे अपने सिल्वर बॉल स्प्रिंकल से। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिए। और हाँ ये जरूर ट्राई करना और हमें बताना आपको कैसी लगी। बाय।